हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोविजन होता क्या है। तो देखिए, प्रोविजन का मतलब होता है किसी भी व्यापार में भविष्य में होने वाले खर्चों या हानि को पहले से ही अपने बुक में रिकॉर्ड कर लेना। यानी अगर आपको लगता है कि मेरे व्यापार या बिजनेस में मुझे भविष्य में कोई खर्चा हो सकता है या कोई हानि हो सकती है, तो उस हानि से बचने के लिए हम इसी साल एक पैसे बुक कर लेते हैं, यानी प्रोविजन के रूप में उन पैसों को अगले साल के लिए बचा के रख लेते हैं। तो कुल मिलाकर प्रोविजन का मतलब हुआ कि किसी भी व्यापार में होने वाले खर्चों या हानि से बचने के लिए भविष्य के लिए पहले से ही एक फिक्स राशि को प्रोविजन के रूप में बचा लेना या अपने खातों में बुक कर लेना। तो इसको हम एग्जांपल लेकर समझते हैं कि मान लो अमित मेरा डेटर है, यानी कि अमित मेरा देनदार है, और अमित को मैंने 19-20 यानी कि करंट ईयर में मैंने उसको 10,000 रुपये का माल बेचा है। अब क्या होता है कि अमित मुझे 10,000 रुपये देने से मना कर देता है, यानी कि जो वह 10,000 रुपये होते हैं वो मेरे डूबत में चले जाते हैं, जिनको हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। तो बैड डेब्ट सिंपल वे होते हैं, जो पैसे आपके डूबट में चले जाते हैं या वो पैसे जो आपको लगता है कि ये मेरे पैसे वापस नहीं मिलेंगे, तो वो हमारे बैड डेब्ट कहलाते हैं। अब क्योंकि ये जो बैड डेब्ट है मेरे साल 19-20 यानी कि करंट ईयर में हुए हैं, और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर जो 20-21 होगा, तो उसमें मुझे नहीं पता कि मुझे कितना खर्चा होगा और कितना हानि होगी, क्योंकि हम दोस्तों नेक्स्ट ईयर का जो एस्टिमेट लगाता है वो अपने करंट ईयर के हिसाब से लगाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरे करंट ईयर में कुछ पैसे डूबे हैं और आपको लगता है कि मेरे नेक्स्ट ईयर भी ये पैसे डूब सकते हैं या मुझे कोई हानि हो सकती है, तो उसके लिए आप प्रोविजन को बुक करोगे। तो मान लो मुझे 19-20 में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर भी मुझे कुछ नुकसान हो सकता है या मेरी डूबत हो सकती है, तो मैं इसी साल एक 20,000 रुपये का अमाउंट यहाँ पे बुक कर लूँगा। 20,000 में से दोस्तों जो 10,000 रुपये है वो मेरे इस साल के कम हो जाएंगे, यानी कि अमित ने जो मेरे 10,000 रुपये देने से मना कर दिया, जो मेरा देनदार था, उसके 10,000 रुपये इसमें से कम हो जाएंगे, और जो नेक्स्ट 10,000 रुपये है वो मैं अगले साल के लिए बुक कर लूँगा। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे इस साल डूबत हुई है और अगले साल भी मेरी डूबत हो सकती है या मुझे कुछ हानि हो सकती है, तो वो मैं नेक्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे बुक कर लूँगा। अब जो हमने 10,000 रुपये अगले साल के लिए बुक किए हैं, तो वो हमारे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कहलाएंगे। तो इसी राशि को हम प्रोविजन के रूप में यूज करेंगे और इसी को प्रोविजन कहा जाता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रोविजन क्या होता है। तो ऐसे खर्चे जो आपको लगता है कि भविष्य में मुझे हो सकते हैं, उसकी पहले से ही तैयारी करना और उनको पहले से ही खर्चे बुक कर देना हमारा प्रोविजन कहलाता है। अब हम जान लेते हैं कि प्रोविजन में हमारे कौन कौन से लेजर बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने ये सीखा था कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, यानी कि आपको लगता है कि आपके कोई पैसे भविष्य में डूब सकते हैं, इस तरह का आपको कोई भी डाउट होता है, तो आप उसके लिए एक पहले से ही प्रोविजन बुक कर सकते हो। दूसरा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, यदि आपको लगता है कि आपने जो इस साल इनकम टैक्स पे किया है, अगले साल आपको उससे ज़्यादा इनकम टैक्स पे करना पड़ सकता है, तो आप इनकम टैक्स के लिए भी प्रोविजन पहले से ही बुक कर सकते हो। इसी तरह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि अगर आपको लगता है कि मेरी संपत्ति अगले साल भी उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि संपत्ति पे डेप्रिसिएशन हर साल लगता है, जो फिक्स असेट होती है उस पर डेप्रिसिएशन हर साल लगता है, तो आप उसके लिए भी इन फ्यूचर के लिए प्रोविजन बुक कर सकते हो। देन प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ असेट, यानी कि अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि मेरी असेट लॉस हो सकती है या मेरी संपत्ति का कोई नुकसान हो सकता है, उसके लिए भी आप प्रोविजन बुक कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था एक सिंपल सा उदाहरण कि प्रोविजन क्या होता है और कौन कौन से इसमें लेजर बन सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि प्रोविजन का जो नेचर होता है वो किस तरह का होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रोविजन जो होता है हमारी लायबिलिटी होती है, यानी कि जब हमारे पैसे डूबते हैं या हमें कोई नुकसान होता है, तो उन पैसों को हम एडवांस में बुक कर लेते हैं अगले साल के लिए, और अगर हमें वो हानि होती है तो वो हमारी लायबिलिटी होती है, और अगर हमें चुकाने पड़ जाते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी होती है। लेकिन अगर हमारी हानि नहीं होते, हमारे पैसे नहीं डूबते हैं या हमारी असेस्ट भी हो सकती है, तब
तो लेकिन जो प्रोविजन हमारा शो होता है वो बैलेंस शीट में हमारे लायबिलिटी साइड में शो होता है, इसलिए जो प्रोविजन का जो नेचर होता है वो हमारे लायबिलिटी का होता है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रोविजन क्या होता है। अब जान लेते हैं कि प्रोविजन का एंट्री टैली ईआरपी 9 में हम किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए जाएंगे हम अपने टैली ईआरपी 9 पे। तो यहाँ पे हम अपने टैली ईआरपी 9 के गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे प्रोविजन के जो विनोद जो ओनर है कंपनी के, उन्होंने यहाँ पे 20,000 रुपये प्रोविजन के बुक किए हैं, जिसमें से 10,000 रुपये हमने अमित से लेने थे, जो कि उसने पैसे नहीं दिए, वो डूब गए, और 10,000 रुपये हम अगले साल के लिए बुक करेंगे। और इसके एंट्री करने के लिए हम जाएंगे वाउचर में। अब क्योंकि एक एडजस्टमेंट एंट्री है तो यह इसकी एंट्री होगी वो जर्नल में होगी, हम जर्नल वाउचर में जाएंगे। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे अपने जो बैड डेब्ट्स है, जो हमारे एक्सपेंसेस है, जो हमारे पैसे डूबे हैं, वो हम यहाँ पे डालेंगे और उसका एक लेजर क्रिएट करेंगे और करेंगे ओल्ड सी। तो यहाँ पे बैड डेब्ट्स का एक हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं, एंटर करेंगे। इसका जो ग्रुप जाएगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, क्योंकि पैसे हमारे डूबे हैं, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एंटर करेंगे, जीएसटी को यहाँ पे नो टैपिक करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और करेंगे एंटर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमने बैड डेब्ट्स किए है वो हमारे 20,000 का टोटल अमाउंट है, और वो 20,000 यहाँ कैसा है वो हम आगे समझते हैं। अब करेंगे एंटर। अब इसमें से जो 10,000 रुपये थे वो अमित ने हमें देने से मना कर दिया, यानी कि अमित ने हमसे 30,000 रुपये लेने थे, जिसमें से 10,000 रुपये उसने हमारे नहीं दिए। तो 10,000 रुपये हम अमित को यहाँ पे डालेंगे, जो अमित ने हमें देने से मना कर दिया, तो अमित को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, 10,000 रुपये हम उसका अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। अब क्योंकि 10,000 रुपये हमने अमाउंट से उसको क्रेडिट कर दिया है, अब क्योंकि हमने 20,000 रुपये यहाँ पे बुक किया है, जिसमें से 10,000 रुपये हमारे इसी साल एक्सपेंसेस के चले गए हैं, और जो 10,000 रुपये है वो हम नेक्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे बुक कर रहे हैं। तो सिंपली हम 10,000 रुपये यहाँ पे प्रोविजन में बुक करेंगे और प्रोविजन का एक लेजर क्रिएट करेंगे ओल्ड सी करके। तो यहाँ पे प्रोविजन का हम एक लेजर क्रिएट करेंगे और करेंगे प्रोविजन, एंटर करेंगे, और उसका जो ग्रुप जाएगा वो प्रोविजन के अकाउंट में जाएगा। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर। 10,000 रुपये से हमने यहाँ पे प्रोविजन बुक कर दिया है और करेंगे एंटर। अब समझ लेते हैं कि रूल के अकॉर्डिंग ये एंट्री सही है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो बैड डेब्ट्स है वो हमारे एक्सपेंसेस थे, यानी एक्सपेंसेस हमारे बड़े हैं। 10,000 के हमें डेबिट हुई है, यहाँ पे बैड डेब्ट्स हमारे एक्सपेंसेस है, तो टोटल एक्सपेंसेस हमारे 20,000 यहाँ पे हुए हैं, यानी कि 10,000 हमारे अगले साल के लिए और 10,000 हमारे इस साल के। तो यहाँ पे बैड डेब्ट्स हमारे एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस हमारा बड़ा है, इसलिए हमने उसको डेबिट किया है। दूसरा, अमित जो था हमारा सेंडरी डेटर था, सेंडरी डेटर यानी कि ये हमारी असेट थी, जो हमारा देनदार था। अब इसने पैसे हमें देने से मना कर दिया, तो हमारे देनदार कम हो गए, यानी हमारे असेट कम हो गई है, और जब भी हमारे असेट कम होती है इसको हम क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए हमने अमित को क्रेडिट किया है। दूसरा, प्रोविजन जो है हमारी एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमारी यहाँ पे बढ़ रही है, और जब हमारी लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग ये एंट्री बिल्कुल सही है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब देखते हैं कि इसका बैलेंस शीट पे क्या अफेक्ट पड़ता है। गेटअप टैली पे जाएंगे, बैलेंस शीट पे जाने के लिए बी प्रेस करेंगे और करेंगे ओल्ड F1। तो अब देख सकते हो कि करंट लायबिलिटी में जो है मेरा एक प्रोविजन यहाँ पे 10,000 रुपये का शो कर रहा है, यानी कि ये 10,000 रुपये हमने नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोविजन बुक किया है, जिसमें हमें लगता है कि ये हमारे डूबत हो सकते हैं या हमारी कोई खर्चा या हानि हो सकती है। दूसरा, अगर प्रॉफिट और लॉस पे जाए ओल्ड F1 करे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर 20,000 रुपये का हमारे बैड डेब्ट्स होकर आया है, जिसमें से 10,000 रुपये हमने इसी साल बुक कर लिए है और 10,000 रुपये हमारे नेक्स्ट ईयर के बुक हो गए हैं। और तीसरा, अगर हम अमित के लेजर पर जाए, तो डिस्प्ले अकाउंट बुक और लेजर पर जाए और अमित का लेजर हम ओपन करें यहाँ से, तो यहाँ पे बैड डेब्ट्स के 10,000 रुपये यहाँ पे कम हो गए हैं, जो पहले 30,000 थे वो 10,000 रुपये ने हमारे मना कर दिया है देने से, और यहाँ पे जो उसका बैलेंस रह गया वो रह गया 20,000 रुपये। तो ओवरऑल दोस्तों, ये था हमारा प्रोविजन होता क्या है, कौन कौन से प्रोविजन में हमारे लेजर बन सकते हैं, किस तरह से हम प्रोविजन की एंट्री को अपने टैली ईआरपी 9 में कर सकते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।